आरोग्य मंत्रीना पुत्र साथेना विवाद थी पोताने सेलिब्रिटी समझी रहेली महिला एलआर कोंस्टेबल सुनीता यादव हवे एफबी पर लाइव थई मोटी मोटी बातों करी रही छे अने निर्भया कांड जेवी बातों करी लोकोनी सहानुभूति लेवानो प्रयास करी रही छे। मंत्री कुमार कानाणीना पुत्र प्रकाश कानाणी साथे कर्फ्यू मामले प्रकाशमां आवेला महिला एलआर कोंस्टेबल विवादमां आवी छे। विवाद सळग्या बाद सुनीता यादवनी तस्वीरो सोशियल मीडियामां वायरल थई रही छे, तेमां તે પોતે અનેક કાયદા તોડતી જોવા મળી છે। વિવાદ વધતા સુરત પોલીસની વિવાદિત એલઆર દ્વારા એફબી લાઈવ કરીને ચોંકાવનારા ખુલાસા પણ કર્યા છે। ગઈકાલે મીડિયા સાથે અભદ્ર વર્તન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે સુનિતા યાદવે ફેસબુક પ્લેટફોર્મ પર આવીને ફરીથી વિવાદિત વાતો પણ કરી છે। રાજીનામા અંગે નિર્ભય કાંડને લઈ સુનિતાએ વિવાદિત વાતો કરી છે, જેને લઈને અનેક સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે। આ સાથે સુનિતા યાદવ ફેસબુક લાઈવમાં નિર્ભયા કાંડની વાત કરે છે। સુનિતા જ્યાં હતી ત્યાં જ હોમગાર્ડનો અને ત્યાંથી 50 મીટર દૂર પોલીસનો પણ બંદોબસ્ત હતો, તેથી તેની સાથે નિર્ભય જેવી ઘટના બને તે અશક્ય હતું। ત્યારે સુનિતા યાદવના નિવેદન ઉપર સવાલ અનેક ઉભા થઈ રહ્યા છે। वो अगर वहाँ पे एक पुलिस ऑफ फ्रेंड करके था, मुझे नहीं पता वो बंदा कौन था, पर मेरे लिए वो वहाँ पे साक्षात भगवान की तरह था। अगर वो ना होता तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ है, वो निर्भया कांड 2 करके आप लोग शायद इस वक्त कैंडल लाइट लेके रोड पे उतर चुके होते। मुझे इंसाफ चाहिए, पर मैं समझती हूँ इंसाफ के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं है। आज कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कोई PSI जो है उन्होंने रिज़ाइन करा है कोई पर्सनल मैटर से। मैं रिज़ाइन कर रही हूँ मेरे आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए, मुझे रिज़ाइन करना है ताकि मैं आगे की और अच्छी तैयारी कर सकूँ। मेन चीज़ है पावर, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी है। और एज ए IPS ऑफिसर मैं आना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या हो, कल मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर अगर मैं ज़िंदा रही तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और IPS ऑफिसर बन के आऊँगी। और उसके बाद जो ये लोग पावर की बात करते हैं, उन सबको धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों को हम समझाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। सॉरी अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे कोई इंटेंशन ज़्यादा बोलने का नहीं है। लास्ट में बस एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं। मैं 2-3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस सब की वजह से भी। और मेरे ऊपर जो फेक कॉल आ रहे हैं, रात को 11 बजे लोग दरवाज़ा के मुझे बजा रहे हैं और पूछने पे पता चलता है कि वो लोग रिपोर्टर नहीं है। तो अगर रिपोर्टर होगा तो उसके पास डेफिनेटली कार्ड होगा, कार्ड नहीं है उसके पास। इसका मतलब ये कि जो कानाणी सर हैं उन्होंने अपने जगह से मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए आप समझदार है, समझ सकते हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं देना चाहती। कोई भी हो सकता है, चाहे कोई और हो, ये हो वो हो, पर आप समझदार हैं काफ़ी। आप सिर्फ इतना मानिए कि मेरे ऊपर इस वक्त मेरे डिपार्टमेंट तरफ से भी मुझे अभी ऑफिशियली काम करने बाकी है। राजनीति तौर से भी मुझे अभी कुछ कुछ और करना बाकी है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, मेरी लीगली प्रोसेस जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं जल्दी आऊँगी। और कोशिश करूँगी कल सुबह मैं वापस अपना इस्तीफा देने जा रही हूँ, रिजाइनिंग लेटर कल सुबह मैं कमिश्नर ऑफिस जा रही हूँ 11 से 12 के बीच। एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकती क्योंकि मेरे ऊपर बंदूक की नॉक मुझे चलना पड़ता है। कल मैं दोपहर नहीं तो दोपहर शाम तक, शाम से पहले पहले मैं लाइव आ जाऊंगी और आपको मैं व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरी पे लिखवा दूंगी कि भाई मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मेरी आँखें भी अब नहीं खुल रही हैं। थैंक यू सो मच। महिला कॉन्स्टेबल ट्रोल दयाबाद તેના ટિપ્પણી થઈ રહી છે ત્યારે રાજીનામાની વાત કરનારા સુનિતા ખોટું બોલી રહી હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે। મીડિયા દ્વારા કોન્સ્ટેબલ ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં નથી આવ્યો તેનાથી તે રોષે ભરાય છે અને મીડિયા સાથે વિવાદમાં ઉતરી છે। વિવાદ બાદ સુનિતા પ્રીપ્લાન કરીને હોમગાર્ડ દ્વારા વિડીયો ઉતારાય હોવાનું પણ કહેવાઈ રહ્યું છે। સુનિતાને અત્યાર સુધી કોઈ પણ ધમકી મળી નથી, તે અંગે ફરિયાદ કરી શક્યો હોત પરંતુ તેને ફરિયાદ કરી નથી। બીજી તરફ તેણે અગાઉ રાજીનામાની પણ વાત કરી હતી પરંતુ હજી સુધી તેણે રાજીનામું આપ્યું નથી। એ ચોંકાવનારો ખુલાસો એ પણ થયો છે કે સુનિતાએ રોક મારવા માટે પ્રીપ્લાન કરીને પોતાના સાથી મિત્રને પોતાનો ફોન આપ્યો હતો અને ગાડી રોકીને વિવાદ ઉભો કર્યો હતો જેથી તે વિડીયો બનાવીને વાહવા મેળવી શકે। અઝર કુરેશી, ડીટી ન્યૂઝ।